अरे जा रे जा, जैसे ये डोसा नीचे गिरा है ना, एक दिन तू भी ऐसे ही गिरेगा। बात है यार, कैसे कैसे स्टंट करता है ये। ए, ये कोई स्टंट है क्या? उसे देखा है कभी जो पल्सर बाइक से आता है? कमाल है, हवा की तरह गाड़ी चलाता है वो। क्या स्पीड है यार, चीता से भी तेज भगाता है। जब उसकी गाड़ी खड़ी रहती है ना, उसी समय जमीन पे रहती है, नहीं तो हर समय हवा से बातें करती है। पर वो है कौन? आने वाला है, देख लेना। अरे वो देख, आ गया। पुलिस आई है, भागो भागो। हे, पागल हो गए हैं क्या? किस तरह बाइक चला रहा है? ए, ए, क्या कर रहा है? अरे हे, ये रोड चलने के लिए है, सर्कस के लिए नहीं। बाप की जागीर समझे हो क्या? ए, अगर ये रास्ता मेरे बाप का होता ना, तो तुम सबको यहाँ से निकलने के लिए टोल देना पड़ता। आ, जब गिरोगे हाथ पैर टूटेगा तब पता चलेगा तुम्हें। ए, जब हम बचपन में नहीं गिरे तो अब क्या गिरेंगे? राइडिंग मेरा सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, अहंकार है। माँ, अरे आ जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, फोकट इलाज के लिए खाना सोना रहना सब मिलेगा। अगर अगली बार आए ना तो याद रखना, यहाँ से उठने नहीं दूंगी। ये सब क्या है? मच्छर बहुत काट रहे थे मैडम, कॉयल की डिमांड की थी लेकिन किसी ने दिया नहीं, मुझे और कोई उपाय सूझा नहीं, इसीलिए सिगरेट पीकर मच्छरों को भगा रहा था। अज्ञानी कहीं का, तुझे समझ भी नहीं आता यहाँ पे और भी मरीज हैं। आपकी तरह मैंने भी काम सूत्र पढ़ी होती तो आपको मुझे अज्ञानी नहीं कहना पड़ता। ए, इंजेक्शन देना है उस तरफ। कमर में देंगी क्या? चड्डी भी उतारूं क्या? उतारने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत सारे छेद है, उसमें से एक छेद में लगा दूंगी। लड़की के दिल में प्यार कैसे पैदा होगा और लड़के की चड्डी के छेद से क्या क्या दिखेगा कोई नहीं बता सकता। दबा के रख। इतना जोर से घुसा दिया। ये सब तो ठीक है भाई, पर ये बताओ तुम यहाँ क्यों? अरे भाई, सुबह से लेकर शाम तक पीता हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों चढ़ती नहीं है। तुम बताओ, तुम क्यों एडमिट हुए? बाइक से गिर गया था। कहाँ गिरा, कैसे गिरा? अरे बहुत बड़ी कहानी है भाई। कहानी जो भी है उसे छोटा करके बताओ, डिटेल में बताओ ना। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये सचमुच हुआ था। ये मेरा शहर है मैसूर। क्या सर, आप लोग भी मैसूर का नाम आते ही सीधा पैलेस दिखाते हो। अरे मैसूर में और भी बहुत सारी जगह हैं, उन्हें भी दिखाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैसूर का मतलब सिर्फ पैलेस नहीं है, कुकली तालाब, घंटाघर, जू, फूड स्ट्रीट, इन सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ के लोगों के बारे में बताना। ये बुद्ध के जैसे शांति प्रिय है, विश्वेश्वरैया जैसे विद्वान है। अगर यहाँ किसी घर के बारे में जानकारी चाहिए तो किसी भी बुजुर्ग से पूछिए, पता चल जाएगा। और उस बुजुर्ग से अगर आपको वो जानकारी नहीं मिली तो आप उसके फ्रेंड से पूछ सकते हैं। अब मुझसे आप सुनेंगे मेरे फ्रेंड्स की कहानी।
ये है हमारी टीम का डार्लिंग। ये अपने पर्स में पैसा रखता नहीं है बल्कि छुपाता है। 100 रुपीज? जीसस, वो इतने पैसों में इंप्रेस हो जानी चाहिए। हाँ, सॉरी। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। थैंक यू। यस। इतना लेट क्यों? अरे आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मेरी मदर ने कहा कि चर्च में जाकर फादर से ब्लेसिंग ले ले। चर्च में गया तो चर्च का घंटा खराब हो गया था। हाँ? या तो उसे रेडी करवा के घंटा बजा के आया हूँ। ओह, सो स्वीट। यू टू। हे, आज बर्थडे तुम्हारा है लेकिन ट्रीट मैं दूंगा। या कम। हाँ? इधर ही स्टारबक्स में चले तो? स्टारबक्स में जाएंगे तो बैंड बज जाएगी। इससे भी बड़े में चलते हैं, चलो। KFC में चले क्या? बर्थडे के दिन कोई नॉन वेज खाता है क्या? शाकाहारी खाते हैं, चलो। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। थैंक यू। हाय सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? कॉफी? दो कॉफी, दो कटलेट। कटलेट कट करो, सिर्फ कॉफी ले आओ। सर, ये रेस्टोरेंट नहीं है, ये फर्नीचर शॉप है। तो ये टेबल चेयर क्यों रखी? बेचने के लिए, बैठने के लिए नहीं। बोलो बोलो ना बेबी, कौन सा फर्नीचर चाहिए तुम्हारे बर्थडे पे? इसे खरीद लूं क्या? आगे बहुत काम आएगा। ये जॉन है, रणधीरा की फिल्म देखते उसका स्क्रू थोड़ा ढीला है। एक नंबर जा रहे हो क्या? मैं एक नंबर घर से करके आया। ए, मैं फर्स्ट फ्लोर की बात कर रहा हूँ। तू कौन से फ्लोर पे जाएगा? जहाँ पर ये जाएंगी मैं भी वही जाऊंगा। अच्छा, और आप कहाँ पे जाएंगी? जो फ्लोर सबसे लास्ट जाएगा उस फ्लोर पे। बड़े ही अजीब लोग हैं यार, ठीक से जवाब ही नहीं देते। हटो यार, निकलिए। अरे ए, क्या कर रहा है? अरे अरे, मारोगे क्या? एसी भी नहीं है। पागल है क्या? मेरे पिछवाड़े क्या गुजर रहा है? हैं? ये तो चाबी है भाई, तुमने क्या लगा था? जेब में रखना, चाबी है। एक दो लोग बाहर निकलो, लिफ्ट में ओवरलोड हो गया। कोई बाहर निकल ही नहीं रहा। ए, तू ही निकलना। अच्छा, तू ही निकलना। क्या जमाना आ गया, पोस्टर तक को नहीं छोड़ते ये लोग। अरे वो पोस्टर चिपका नहीं था, इसीलिए उसको चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चिपक गया। बेचारा लंगड़ा है। ए, लंगड़ा किसको बोली तू? किस एंगल से मैं लंगड़ा दिख रहा हूँ? तू जानती नहीं है, कॉलेज की सारी लड़कियाँ अपुन पे मरती थी। बस पैर ऐसा है, बाकी अपुन की बॉडी सलमान खान के माफिक है। इसका नाम है जानी, पोलियो से पीड़ित है बेचारा। भगवान के फोन में बैलेंस नहीं था इसलिए मिस कॉल दे दिया। इसकी इस हालत के लिए मुझे जरा भी अफसोस नहीं, क्योंकि ये इसका पूरा एडवांटेज लेकर लड़कियों के कंधों से सहारे लेता है। अब इसकी फैमिली के बारे में बताता हूँ। नहीं नहीं, आप खुद ही देख लो। लाइए। तुम्हारे अब्बा जान के लिए है। तुम्हारे लिए गर्म पानी रखा है, उसमें शहद डालकर पी लो। जा। तुझे अपने बेटे का थोड़ा भी ख्याल नहीं है। सुनिए जी, आपके लिए दूध लाई हूँ। तुम नहीं पियोगी? और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कलयुग के कृष्ण के बारे में। ये तो अजय राव जैसा दिखता है। भाई तुम्हारी दोस्ती इतने बड़े बड़े लोगों से होगी, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। उसे बस ऐसा रहने का शौक था, असल में उसकी असलियत तो कुछ और ही थी। नेक्स्ट। स्ट्रीट से डर लगता है क्या?
डोंट वरी, मेरा हाथ पकड़ लो। जनरेशन टू स्पीड। मुझसे कहा कि फ्लाइट चलाते हैं और ये चला रहे हो? दरअसल फ्लाइट सर्विस के लिए दी है ना, तो क्या करूं कुछ समझ में नहीं आया इसलिए ये। सर आप अपनी फ्लाइट को कहीं और पार्क करेंगे, यहाँ पर आने जाने वालों को तकलीफ होती है। हैं, फ्लाइट उड़ाता है, बड़ा आया फ्लाइट उड़ाने वाला। नेक्स्ट ये है जनार्दन, इसकी फैमिली के बारे में भी जान लीजिए। नाम क्या है? जनार्दन सिन्हा। पिता का नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण। इस शहर में किसी को पैसे की जरूरत होती है तो वो उस लक्ष्मी के पास नहीं, इस लक्ष्मी के पास आता है। काम क्या करते हो? इस एटीएम का वॉचमैन हूँ मैं। हाँ। और माँ? एज 32। 32 कोई ज्यादा एज नहीं है, आप मेरे पास आई हो ना तो काम हो जाएगा। नक्षत्र? चित्रा नक्षत्र। चित्रा? हाँ। अरे 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 अरे, नक्षत्र के हिसाब से प्रोफेशन के मुताबिक अगर अच्छा लड़का चाहिए ना तो पेमेंट होते ही एक अच्छा सा लड़का हाजिर कर दूंगी। चलेगा ना? देखो राम और सीता 14 साल अपने घर से दूर रहे लेकिन एक दूसरे से एक पल भी दूर नहीं रहे। मैं जो लड़का दिखाऊंगी वो ऐसे ही संस्कारों वाला है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो कॉलोनी में आके पूछ सकती हो, ठीक है? तो अब मैं निकलूं। मैडम अगर लड़के के बारे में दोबारा कुछ पूछताछ करनी है तो एक बार कॉल करके आ जाना। इनका भी सभी मिडिल क्लास फैमिली के जैसा इनकमिंग कम आउटगोइंग ज्यादा, फिर भी उधारी के दम पर खुशी से जीते हैं। अरे रुको रुको, वो फोटो में जो लड़की थी तुमने बताया नहीं उसके बारे में। वो एक अनाथ लड़की है, उसका नाम तस्लीम है। जनार्दन की माँ ने उसके लिए लड़का ढूंढा, उससे बात की और धूमधाम से उनकी शादी भी करवाई, लेकिन वो लड़का शादी करके सब कुछ लूट के चला गया। या अल्लाह। वैसे सिर्फ लेकर नहीं गया था, कुछ देकर भी गया था। उस दिन से तस्लीम वापस घर आई और उन्हीं के साथ सेटल हो गई। ये जॉन जॉनी जनार्दन पक्के देसी लड़के थे जो मॉल में मिलने वाला माल सड़क से खरीद कर पैसे बचाते थे। नहीं नहीं, फैमिली के लिए नहीं, खुद के शौक पूरे करने के लिए। इनको सब्जी का रेट, गैस का रेट कम हुआ है या ज्यादा हुआ है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। अरे इन लोगों को तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है ये तक मालूम नहीं। हेलो, आपको क्या लगता है मुझे इतना भी नहीं पता? हा? कौन है? नरेंद्र प्रसाद। क्यों, सही है ना? नरेंद्र प्रसाद, हाँ करेक्ट है। कौन से पक्ष का है वो? वो पितृ पक्ष वाला है। लेकिन वो एक बात के लिए हमेशा बिल्कुल तैयार रहते थे और वो है थाईलैंड के पटाया बीच का एक टूर। ये उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी सपना था। और लड़के लोग पटाया बीच क्यों जाते हैं ये तो ओपन सीक्रेट है, वहाँ वो मछली खाने तो नहीं जाते। मसाज। तो क्या फिर उनका सपना पूरा हो गया? नहीं, हर महीने पगार तो आती है पर उनकी ये पगार इतनी कम होती है कि सपना पूरा नहीं होता। क्या बिड़ू इतना लेट? रनिंग के लिए गया था ना इसलिए। अगर तुझे छोड़ दिया जाए तो तू मैराथन भी जीत जाएगा। हेलो, ऐसे हॉर्न क्यों बजा रहा है बे? तुझे बाहर निकालने के लिए। मेरे लिए था या पड़ोस वाली आंटी के लिए? हा? हेलो, मैंने एक बार आंख मार दी ना तो गली की सारी लड़कियां आकर मेरे बॉडी पर चुम्मा देकर जाएंगी। हॉर्न मारकर बुलाने का स्टाइल नहीं है आप उनका। अच्छा तो आंटियों पर आंखें सेकने के लिए साइकिल पर लेडीज गारमेंट बेचने वाला तू था ना? पेट के लिए करना पड़ता है। क्यों यार, आज तो पेमेंट का दिन है ना? हाँ। तो बाबू आज तो दूध पी के निकला होगा। पटाया बीच पर हाफ चड्डी में 2 पीस पहनी हुई लड़की के साथ दारू पीने वाला मैं, मुझे दूध में क्या मजा आएगा यार। चल चल चलते चल, 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 चलते हैं, चल। हेलो, तो आज ही पहुंच जाएगा ना? तुझसे पहले पहुंच जाऊंगा। एक्सक्यूज मी, कैन यू एक्सप्लेन दिस पेंटिंग? शालू, मैं समझ गया। चलो अपने हाथ दिखाओ। हे यू बेबी, डिड यू ड्रॉ दिस? इसे छोड़कर यहाँ जो कुछ भी है सब मैंने बनाया है। झूठी। नाइस पेंटिंग, गुड, कीप इट अप। थैंक यू। हाँ, ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। ये क्या शालू, तुमने अपना पूरा हाथ गंदा कर लिया? नहीं, ये तो हाथ में पेंटिंग बनाई है। संजू आओ ना।
अरे रे क्या हो गया? क्या रे ऐसे भाग क्यों रहा है ये? प्रेशर आया होगा बेचारे को। हे शालू। हाय। संजू को देखकर मैं डर जाती हूँ। ओ ऐसा है, कोई बात नहीं, छोड़ो उसे, मैं तुम्हें कराटे सिखाऊंगा। नेक्स्ट टाइम अगर वो तुम्हें डराए तो यूं पंच मारना, ठीक है? मास्टर जी, वो तो ठीक था, अचानक बदल कैसे गया? सब रियलिटी शो का इफेक्ट है बेटा। बेचारा, हम तो सिर्फ जीतने वालों को ही देखते हैं, ये एलिमिनेट होने वालों का हाल क्या होता है ये उनके ही दिल से पूछो। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही सेलिब्रिटी बनाने के लिए सोचते हैं। बच्चों को एक तरह से विजिटिंग कार्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। मेरे गुरुजी अक्सर कहते थे, हमारे बच्चे सुख के वृक्ष नहीं है बल्कि उसके फल है। उसी का एक उदाहरण है संजू। मास्टर जी, बोलो बेटा। अभी आपने कुछ कहा वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा वो सब छोड़िए, मैं कृष्ण के जैसे गोपियों के बीच में खड़ा हूँ ऐसा चित्र बना सकते हैं क्या? राजा, पेंटिंग करते वक्त एक घंटा खड़ा रहना पड़ेगा, तुझसे वो होगा क्या? आई मीन तेरे पैरों से होगा क्या? उसमें खड़ा रहने की क्या जरूरत है? खड़ा रहने वाली फोटो निकाल कर मैं इनको दे दूंगा, फिर मैं बैठ जाऊंगा। क्यों मास्टर जी? वो सब छोड़ो, चलो आज हमारा सैलरी डे है, बताओ बर्थडे पे तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? एक गिफ्ट मांगो या फिर तीन गिफ्ट मांगो? ठीक है, तो मुझे एक बड़ा सा टेडी बेयर चाहिए। बियर? एक बियर नहीं, बेयर, वो नरम नरम होता है ना, खिलौने वाला भालू बच्चे खेलते हैं। अच्छा भाई। वो क्या? तो हमारी छोटी सी प्यारी सी डॉल को वो कल मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू। ठीक है ठीक है, स्कूल बस का टाइम हो गया, जाओ नहीं तो मम्मी गुस्सा होगी। बाय बाय। बाय चलो। बेवकूफ साला, जब देखो तब झाड़ों को पानी देता रहता है। अगर झाड़ पे पानी देने के बजाय दाढ़ी बढ़ाई होती तो कम से कम मर तो दिखाई देता। वो कौन सा झाड़े बे? उस झाड़ की बात कर रहे हो? उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। भाई भूखा आदमी धरती पे फार्मिंग करता है और पेट भरा हुआ आदमी टेरेस पर करता है। कुछ भी कहो, जब तक वो घर पे रहेगा हमें शांति नहीं मिलेगी। मेरी माँ हमेशा कहती रहती है कि उसे देखकर कुछ सीखो। पता है एक दिन मैंने टॉयलेट में पानी नहीं डाला तो पिताजी कहने लगे उसे देखकर कुछ सीखो। समझ में नहीं आता पिताजी उसका टॉयलेट देखने के लिए क्यों जाते हैं यार। क्या पता वो टॉयलेट देखने गए थे या कुछ और। सच में पीछे से इतनी हॉट है, आगे से कैसी होगी? ए बुलबुल, तुमको ड्रॉप कर दूं क्या? दूसरे के बाइक पे बैठी तो पिताजी मुझे मारेंगे। अरे बाइक पर नहीं, बेड पर किसी के साथ जाओगी तो पापा मारेंगे। पापा ने तुमको डराने के लिए ऐसा कहा होगा। चलो अपने पापा का नंबर दो, मैं उनसे फोन करके परमिशन ले लेता हूँ। 100 पुलिस का? बहन जी आप रोड पर संभल कर जाइए, बहुत से मवाली घूमते हैं यहाँ पर। अच्छा तो मैं चलूँ। बाप रे ये तो बड़ी शातिर निकली। कुछ भी बोल लेकिन मजा आएगा। उसने आज भी मुझे देखकर स्माइल दी, पर पता नहीं क्यों अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही। जब लव फीलिंग्स मेरे लिए है तो तुझे क्यों बताएगी? देखते रहना, ये जनार्दन एक दिन उस लड़की को अपना बना कर रहेगा। ये जॉन एक दिन उसकी कमर में हाथ डाल के उसे ले जाएगा। देख लेना। देखेंगे। आज तू इतनी जल्दी आ गया? अबे मैं जल्दी नहीं आ गया, तुम लोग लड़की को देखने के चक्कर में लेट हो गए हो। इसे कैसे पता चल गया? पता है यार, वो मुझे हमेशा देखती है। ये तेरी गलतफहमी है, हम उस चांद को देखकर चलते हैं तो हमको लगता है कि वो चांद हमारे साथ चल रहा है। वो लड़की किसी और को भी देखती होगी तो तुझको लगता होगा कि वो तुझे देख रही है। देख लड़कियां हमेशा पैसे वालों के पीछे ही भागती हैं। अगर हम लोगों ने पैसा कमा लिया तो लड़कियां हमारे पीछे भागेंगी, यही सच्चाई है। दिमाग से काम लो। अरे फिर फंस गया यार। ए, हमेशा काम के टाइम पे लेट करवाता, कैसी गाड़ी है ये? देख भाई, तू मुझे जो चाहे बोल सकता है, लेकिन मेरी गाड़ी को कुछ बोला ना तो याद रखना। अब देख
एक मिनट वेट कर, दो मिनट में गाड़ी रेडी करता हूँ। सबको अपनी गाड़ी बंद करनी पड़ती है, तेरी गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है। पिछले हफ्ते ही तो मैंने 50 का डाला था, लगता है किसी ने निकाल लिया। क्यों दादी, सब ठीक ठाक तो है ना? आई एम फाइन, थैंक यू टू। क्या दादी, आपकी उम्र में सब छड़ी लेकर घूमती हैं और आप स्मार्टफोन लेकर घूम रही हैं? फेसबुक अकाउंट है ना बेटा, तो उसे मेंटेन करना चाहिए। ये बुढ़िया भी फेसबुक पे है क्या? और तू भी तो हमेशा ऑनलाइन रहता है क्या? आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में हैं? हाँ हाँ, वो सब छोड़, उस एंजल दिव्या को मैसेज करके तू परेशान क्यों करता है, क्या बात है? अच्छा, वो जेम्स कॉलेज की दिव्या ना, आपको कैसे पता? वो एंजल दिव्या कोई और नहीं है बेटे, मैं खुद हूँ। अबे जवान लड़कियाँ मर गई हैं क्या? दूसरे की फोटो लगा रखी है, मैं क्या करूँ? ए डूड, इस गाड़ी को पहले भंगार में बेच दे। भंगार में? हार्डली कंपनी ने नई सी गाड़ी रिसेंटली लॉन्च की है, वो गाड़ी तू खरीद ले। क्या स्पीड है, क्या परफॉर्मेंस है, स्ट्रॉन्ग गाड़ी है। इस गाड़ी के जैसे वो नई गाड़ी टांग नहीं देगी, उसे खरीद ले। हाई टेक दादी, जवानी में पता नहीं कितनों को पीछे भगाया होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, लगता बुढ़ापे में आके दिमाग खराब हो गया है। क्या बोला? कृष्णा का पिंडदान करने जा रहे थे और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। ओहो, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो होना ही था। तुम इसी लायक हो, जब वो जिंदा था तो चार चार लोगों को अपने पीछे घुमाता था। अब एक काम करो, तुम लोग भी अपने पिंडदान की तैयारी कर लो, क्योंकि तुम भी निकलने वाले हो। ए कली, ए तू ये मरने मारने की बातें करना कब बंद करेगा? बच्चे को समझा बुझा कर दूध छुड़ा सकते हैं, लेकिन इस गधे के मुँह से वो बातें नहीं छुड़ा सकते। ए, पता है ना, पिछवाड़े का दर्द जब बैठते हैं तभी याद आता है, लेकिन दिल का दर्द खाते वक्त, पीते वक्त, सोते वक्त हमेशा याद आता है। खैर ये छोड़ो, ये बताओ बैंकॉक जाने वाले प्लान का क्या हुआ? अरे मैं भी चलूंगा यार, मैं भी आना चाहूंगी। अरे तू तो रास्ते में निकल जाएगी। मैं भी आऊंगी, आकर ही रहूंगी। ए, दादी बुजुर्ग हो इसलिए छोड़ रहा हूँ। ओहो, तू मेरी आरती और पूजा भी करेगा ना, तो भी मैं नहीं मानने वाली। जा जा। मेरी और पूजा, ट्रिप का नाम लेते मुझे एक बात याद आ गई। मेरी माँ एक बार ट्रिप के लिए तिरुपति गई थी, तो क्या हुआ, उस गाड़ी के ड्राइवर ने डीजल बचाने के चक्कर में गाड़ी को पहाड़ से डायरेक्ट नीचे उतार दिया। गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी में सवार सभी लोग ऊपर चले गए। अरे रुको रुको, मेरे अंकल की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कैसे हुए वो कहानी भी सुनाता हूँ। जाओ जाओ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। कितनी बार भी गिनो उतना ही रहेगा। हर महीने कट करोगे तो कैसे चलेगा सर? मैं तो तुम्हें काम से ही कट करने को सोच रहा हूँ। मैंने ऐसा क्या किया है सर? एक कंप्लेंट हो तो बताओ। तुम्हारे पिज्जा कभी टाइम पे डिलीवरी नहीं होते, और डिलीवरी होने के बाद अक्सर उसमें से एक पीस कम हो जाता है। कुछ तुम कट करते हो, कुछ मैं करता हूँ। सर, हफ्ते में 3 बार अन्नदान करने वाला खानदान है हमारा। अपने शब्द वापस ले लीजिए। पापा जोन्स? यस, गुरु देश पांडे ना सर, आपका एड्रेस? 15 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी सर। नो, लेट बिल्कुल नहीं होगा। ओके, देखते रहना सर, ऑर्डर ऑन टाइम रीच कर दूंगा, ऑन टाइम। कम ऑन जॉन, कम ऑन। शार्प टाइम। Yes. Hello sir. How are you? Fine. John. From Papa Jones. On time sir. Sharp time. pizza kahan hai? Bhool gaya sir. Ye kya? Yahan pe itni bheed kyun hai? Lagta hai accident hua hai. Chhodo yaar mujhe kya? Hey, kya ho gaya bhai? Kya dekh rahe ho? Chalo hato. बेवकूफो, तुम लोग यहाँ खड़े तमाशा देख रहे हो, किसी ने एम्बुलेंस को फोन तक नहीं किया रे। ए, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? अरे वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो पहले ये शूट कर ले, चल। तुम जैसे शूट करने वाले को शूट कर लेना चाहिए। यहाँ इंसान की जान जा रही है और ये वीडियो शूट कर रहा है, किसको फोन करूँ मैं? हाँ याद आया, याद आया, अभी फोन लगाता हूँ। हटो रे, रास्ता दो, इस मोबाइल में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बच्चे इधर। क्या हुआ सर? इसमें सायरन नाम से एक नंबर से उसे फोन लगा। किसको? सायरन? सायरन सीनू। ए, घर में बता कर आया ना? घर में कोई नहीं है, किसको बता कराऊंगा बे, चल जाए यहाँ से, चल। आहा, इस महीने की पगार। आहा।
टेंशन नहीं लेने का यार, इन सबको बाद में देख लेंगे। यार वो अपनी शालू के लिए टेडी बियर, इसमें से 1000 रुपए निकाल लो। टोटल 74,000। इस बार बैंकॉक फिक्स है। अबे मुझे भी उठाओ ना। हेलो, क्या हुआ बे? अरे बच गया बे। उस फ्लेक्स के फोटो को वैसे ही रहने दो, लेकिन थोड़ा बड़ा बनाओ, क्योंकि उस फोटो की जगह पर वो रमन की फोटो लगेगी, क्योंकि वो मरने वाला है ना, और जैसे ही वो मरता है इमीडिएटली उसका फोटो डाल दो। ए, एक्सीडेंट कैसे हुआ? केयर सर्कल के पास ऑटो ने आकर पीछे से ठोक दिया, पूरी बॉडी खून से भीग गई थी। अंकल कहां पर है? जल्दी कहां है वो? वहां पर। हेलो, तो वहां एक्सीडेंट इसके पापा का हुआ था। अरे बाप रे, पापा यहाँ की नर्सें कैसी हैं? पापा दो लड़कियां तो बहुत ही कमाल की है, पैसे वाली भी लगती है। ठीक है, पर इतने बड़े हॉस्पिटल में आना जरूरी था? अरे यार टीवी जो है पड़ोसन गौरी सीरियल में गौरी के बच्चे का बाप सुरेश है या महेश, ये सस्पेंस आज के एपिसोड में ही खुलने वाला है। ये है आपकी पड़ोसन गौरी? सर ये बिल भर दीजिए। मैं भर देता हूँ, तुम लोग यहीं रुकना। नहीं नहीं नहीं, नर्स अभी मेरी ड्रेस चेंज करने वाली है, तुम लोग बाहर जाओ। अगर तुम लोग यहाँ रुकोगी तो फिर ये शर्मा जाएगी ना। सिस्टर सिर्फ इनकी ड्रेस ही चेंज करना। तुम्हें तो मैं। तुम लोग जाओ ना। चलो। कुछ भी बोल यार, तेरे पिताजी बिल्कुल रसिया आदमी है, आखिर बाप किसका है। अरे बादशाह भाई क्या हो गया है तुम्हें? इससे हाल पूछा तो हंस क्यों रहा है? इन्हें क्या हुआ है? एड्स फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज? बादशाह भाई मामूली स्विच बोर्ड को भी हाथ लगाने से पहले आप ग्लोव्स पहनते थे, लेकिन मेन स्विच में हाथ डालने से पहले आप ये कैसे भूल गए? क्या करूं भाई, उस करंट का मजा ही कुछ और है। अरे पागल आदमी, आप इन्हें लेकर जल्दी थी इसको, ए लेकर जा। भाई बिल भर दिया। थैंक्स यार। अपन के बीच में ये थैंक्स क्या होता है? तूने भी तो अपन के लिए बहुत कुछ किया। क्या क्या किया बता जरा। जब मुझे बुखार आया था तो इंजेक्शन से मुझे दर्द होगा, इसलिए इसने खुद ही इंजेक्शन लगवा लिया, पता है? अबे ये छोड़, जब मैं स्कूल में था तो पेंसिल छीलते वक्त मेरी उंगली कट गई थी, तो इसने तुरंत। हंस करो यार, बिल कितना हुआ? 24,000। ए तूने कितना भरा ये बता। अबे क्या यार, तू मुझ पे शक कर रहा है? मैं फ्रेंडशिप के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहता हूँ। भाई एक मिनट जरा, यहाँ कितना भरा साफ साफ बता। 22,000। हाँ 24,000 ही। एक तेरा एक मेरा, समझ गया। 24,000 का बिल, 1,000 इसका 1,000 उसका, समझ गया 22,000 होगा। अरे वो जो एम्बुलेंस थी ना, उसका ड्राइवर बाहर खड़ा है। हॉस्पिटल है तो एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस का ड्राइवर तो रहेगा ही ना, ये कोई बताने वाली बात है? अरे जो इनके पिताजी को लेकर आई थी उस एम्बुलेंस का ड्राइवर यार, और उसका नाम साइरन, साइरन सीनू है। साइरन, बहुत सारा खून निकल चुका है, वैसे मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, देखते हैं भगवान की मर्जी। अच्छा सुनो, बाद में मिलता हूँ, ठीक है? सीनो, सारन सीनो, मेरे पिताजी को बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैं तो बस सबकी आंखों में खुशी देखकर ही खुश हो जाता हूँ, आपकी आंखों में देख लिया मुझे सुकून मिल गया, अब मैं चलता हूँ। सर पर आपको थैंक्स कैसे कहें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे अरे अरे, अगर आप मुझे थैंक्स कहना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, रोड पर अगर कोई भी एक्सीडेंट आप देखते हैं तो उसे उठाकर हॉस्पिटल जरूर पहुंचाइए, वही मेरे लिए थैंक्स जैसा होगा। किसी भी इंसान की जब रोड पर एक्सीडेंट की वजह से मौत होती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। आज दुनिया में पहली बार माँ के सिवा किसी अच्छे इंसान को देख रहा हूं। नहीं, 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 नहीं। मांग लीजिए सर, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, प्लीज 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 सर, प्लीज कहिए ना, आपके हाथ जोड़ता हूँ। सर आप कुछ भी कहिए, मैं आपको ला कर दूंगा। सर सर प्लीज सर, अगर आप इतनी जबरदस्ती कर रहे हैं तो 100 रुपए दे दीजिए। 100 रुपए? 100 रुपए तो ज्यादा हो गया, कुछ कम नहीं हो सकता सर? 100 रुपए की औकात नहीं, ताजमहल बनवाने के रुपए के लिए ऐसा करता है। सर 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 सुनिए, सर वो मजाक कर रहा था। सर आप भी लेते हैं क्या? मैं सिर्फ नहाने के सिवा सारा काम उसी से करता हूँ, पेशेंट को छोड़ना होता है तभी यहाँ आता हूँ, इसके सिवा हॉस्पिटल का कभी मुंह भी नहीं देखता मैं। अगर मुझे सर्दी हो जाए तो ब्रांडी, गैस हो जाए तो बियर, हाजमा खराब हो तो वाइन, बॉडी पेन हो तो रम, सर दुखे तो।
ये बता दीजिए आप पानी कब पीते हैं? अभी तक मुझे इतनी बड़ी बीमारी नहीं हुई कि पानी पीने की जरूरत पड़े। अरे यार, हम लोग तो अभी सीख रहे हैं, ये तो हम सबके उस्ताद हैं। सर चलिए सर, एक बढ़िया पार्टी करते हैं। बैंकॉक जाकर बढ़िया पार्टी करने के बारे में सोचा तो था लेकिन नहीं हुआ, कम से कम यहाँ तो करते हैं। टाइम मेरा, जगह मेरी, ब्रांड मेरा, लेकिन बिल तुम लोगों का, ठीक? मतलब सिर्फ आप मजे लोगे? नहीं नहीं, मेरा मतलब चलेंगे चलेंगे। हेलो आरसू रोड, हाँ हाँ आता हूँ आता हूँ, सॉरी भैया। ये तो चल रहा है यार, दारू की बॉडी और एम्बुलेंस गाड़ी चला रहा है यार। 100 रुपए दे दिए होते तो बेहतर था। पार्टी ही बेहतर है। हे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे शालू बेटा, हैप्पी बर्थडे। ए ए तुम्हारे कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक सेल्फी ले ले। ए रुक मैं भी आता हूँ ना। हाँ अब ठीक है, स्माइल। और हाँ, हमने अपनी शालू को एक गिफ्ट देने का वादा किया था ना। गिफ्ट? हाँ नहीं तो मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। मम्मी ने बताया कि दादाजी हॉस्पिटल में हैं और उनके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए, मगर नेक्स्ट बर्थडे में मुझे बड़ा सा टेडी बेयर चाहिए, ठीक है ना? बड़ा सा थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, एक छोटा सा दिलवा देंगे। नहीं मुझे बड़ा चाहिए। छोटा सा ही दिलवाएंगे। नहीं छोटा नहीं। नहीं छोटा सा ले लो ना। नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जाओ। शालू। बताओ इन दोनों जानवरों में से कौन सा चाहिए तुम्हें? अरे बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, रो मत बेटा, अभी आइसक्रीम खिलाऊंगा। पी लो बेटा। देखो रोना नहीं बच्चा। हाँ। चॉकलेट देना मुझे। जानवी, जानवी, जानवी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अभी तो यहीं थी। जानवी, 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 अभी इधर ही तो थी। हाँ यहीं तो खड़ी थी वो। जानवी, जानवी। माँ, माँ। ए, मैं मरा नहीं जिंदा हूँ। सीरियल एक्टर्स की तरह ओवर एक्टिंग मत कर। आराम से लेकर आओ। हाँ बैठो यार। आराम से धीरे से बिठाओ। आराम से बैठिए। ठीक है आप भी बैठिए। माँ ये सायरन सीनू है, इन्होंने पापा को हॉस्पिटल पहुंचाया। ऐसा क्या? नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, बहुत बहुत थैंक्स। इस बात के लिए थैंक्स कैसा माँ जी? ये बिल्कुल नहीं बदले, रस्ते में तो सीधे चलते ही नहीं, जैसे ही कोई अच्छी लड़की दिखी ये फिसल गए। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, 25 साल पहले इससे शादी की थी मैंने, तब से ऐसा फिसला कि आज तक नहीं उठ पाया। कॉमेडी कर रहे हैं? अरे वो टपक रही है। क्या बोल रहे हो? डाई डाई। दादाजी। हाय बेटा। ये कैसे? पता नहीं कैसे गिरती है। ये मेरी पोती है। हाय बेटी। अंकल को हेलो बोलो। ये मेरी बेटी है तस्लीम। ठीक है माँ जी, चलता हूँ मैं। अरे इतनी जल्दी जा रहे हैं? बैठिए बैठिए ना, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। रहने दीजिए माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं बेटा, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं माँ जी, रहने दीजिए प्लीज। देना कहाँ था, बस पूछ लिया। सर चलिए ना, चलते हैं। बाहर कुछ खिला देना। माँ मैं संभाल लूंगा, आप चुप रहिए। आइए सर चलते हैं। अरे क्या हुआ? शायद शर्मा रहा है। कोई भी आकर भाषण दे सकता है कि सिगरेट और शराब पीना हानिकारक है, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ बोर्ड लगा दिया, अब कोई चिंता नहीं है। वेरी गुड, जगह मस्त है यार, यहाँ पर पीकर मरने में मजा ही कुछ और होगा। अबे सिर्फ पीने के लिए मुंह खोलना, अगर कुछ और बोला तो तेरी जबान काट दूंगा। हाँ पैक दे। आपको क्या दूं सर? व्हिस्की दे दो भाई। सर चखना लेंगे? ब्रांडी चलेगी। तो दोस्तों हमारा पटाया का ट्रिप बर्बाद होने के गम में ये जाम।
पटाया मैं आज तक में एक भी लड़की नहीं पटा पाया उसके गम में। इसका बाप मरते मरते बच गया इस खुशी में। और ये है एक्सीडेंट में मरे हुए लोगों के लिए। बिना वजह के पी रहा हूँ उस खुशी में। सब लोग एक बार बोलो चिया। रो क्यों रहा है राजा? सर आपको कैसे पता? इतना भी नहीं समझूंगा क्या? लोग पीते हैं तो आंखों में मस्ती चढ़ती है और पैर थिरकने लगते हैं, लेकिन तू तो इमोशनल हो गया। कोई प्यार व्यार का चक्कर है क्या? सर आपको कैसे पता चला? सर अरे 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 पागल, लड़की रोए तो 100 वजह होती है, लड़का रोए तो सिर्फ 1 वजह होती है। लड़की कमाना जा। बोलो 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 बोलो। मेरे बचपन से ही सुबह से लेकर के शाम तक इन दोनों के साथ रहते रहते मुझे अपने आप से ही घृणा होने लगी है। क्या बोला? चुप रहो, मैं तुम्हारी वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मैंने डिसाइड कर लिया सर कि इन दोनों के बिना ही लड़की का शिकार करूंगा। ये क्या राजा, गाड़ी एक और पैसेंजर्स इतनी सारी? मगर ये सब मेरी पैसेंजर नहीं थी सर। हाँ लेकिन एक थी सर। ये वही है मॉम। तुम चुपचाप चलो। माँ 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 जाकर बात करो ना। यही वो लड़की है क्या? अरे ये लड़की कितनी सुंदर है, लेकिन अपने औकात की। मेरे औकात भिखारियों की, तो उनके पास जाओ, जाके बात करो। मॉम उस लड़के की माँ हमारे पीछे आ रही है। यू डोंट वरी बेबी, मैं बात कर लूंगी। यू जस्ट स्टैंड। सुनिए आपकी बेटी का नाम क्या है? काजल। काजल कितना पढ़ी लिखी है? देखिए हमारी बेटी की एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप कुछ और सोचकर बात कर रही हैं तो जस्ट फॉरगेट इट। ओके वो क्या है, एक बार लड़की से पूछना चाहती थी। हेलो डोंट यू हैव मैनर्स? एक बार अगर आपको कह दिया तो समझना चाहिए। ओके ओहो, शादी कराने के लिए थोड़ी ना पूछ रही थी। नो 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 नो, मेरे बेटे को टाइम पास के लिए, लाइन मारने के लिए, फिल्म जाने के लिए, डेटिंग चैटिंग के लिए एक लड़की चाहिए थी, इसीलिए पूछ रही थी। वरना शादी के लिए तो आपसे बहुत बड़ा रिश्ता आया था। आप भी ना आंटी, मैं शादी की बात करूंगी ये सोच रही थी। हमारी हैसियत क्या है और इनकी हैसियत क्या? ये क्या किया माँ, सारा काम बिगाड़ दिया। ए छोड़ रे, तेरी शादी अंबानी की बेटी से करवाऊंगी। माँ अंबानी के तो दोनों बेटे ही है ना। हाँ? अरे मैं तो इसे बिल्डअप दे रही थी और तूने मेरी बात सीरियसली ले लिया। कम ऑन बेटा। तुम भी अपनी कहानी बता दो। मैं बता दूं सर। सर मेरी गर्लफ्रेंड ने अपने मम्मी पापा को इंप्रेस करने के लिए मुझे अपने घर पे बुलाया। Flowers from my heart. Thank you, darling. So sweet of you. Come, introduce करवाती हूँ। मेरी डॉटर ने तुम्हारे बारे में बताया। Be comfort. Yeah. ये है मेरी इकलौती बेटी। यहाँ भी सेम है। इकलौते डैड और इकलौती मॉम। Hi, dude. Hi. हाँ, my son, Peter. Wow, guitar. You know music? I love music. You know, बचपन में मैं रोता भी था तो सुर में रोता था। ऐसा मेरी माँ मुझे कहा करती थी। तो आपने म्यूजिक सीखा है? हम तो एकलव्य जैसे हैं। किशोर कुमार की आवाज सुनकर और आरडी बर्मन का संगीत सुनकर म्यूजिक सीखा है। अगर ऐसा है तो तुम्हें हमारे लिए गाना गाना ही पड़ेगा। प्लीज डियर। नहीं बे। गाओ ना। मत गाना प्लीज बेटा।
प्लीज गाना मत गाना। हाँ लेकिन मैंने तो गा दिया था। या गिटार। सुनो टीचर सुनो टीचर, मुझे छुट्टी दे दो टीचर। ड्रून ड्रून ड्रून, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन कम ऑन। आ ई ऊ ड्रू ड्रू ए आई ओ ओ औ औ। इसे पसंद नहीं आया क्या? सर मेरी बात सुनिए। सर 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 प्लीज सर। क्यों प्यारे, तेरी कोई लव स्टोरी नहीं है क्या? मेरी लव स्टोरी क्यों नहीं होगी सर? गाड़ी के पीछे चलेगा तो पड़ेगी धूल, लड़की के पीछे भागेगा तो बनेगा फूल, ऐसा गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है ना सर। इतना ही नहीं सर, वैसे भी आपने वो तीन बंदर की लड़की वाली कहानी तो सुनी होगी। बुरी लड़की को मत देखो, बुरी लड़की से बात मत करो और बुरी लड़की की कोई भी बात मत सुनो। अरे वो ऐसा नहीं है, किसी का बुरा मत सुनना, किसी का बुरा नहीं देखना, किसी को बुरा नहीं बोलना, ऐसा है वो। करेक्ट करेक्ट बॉयज, हम लोगों को हमेशा बुरा कौन बोलता है? ऐसे में उस बंदर वाली कहानी को थोड़ा बदल देना चाहिए था। इन आँखों को ऐसे क्यों बंद करते है पता है? क्यों? ये आँखें एकदम हलकट होती हैं। कोई भी हॉट लड़की सामने से गुजरती है तो ये ऑटोमेटिक खुल जाती है, इसीलिए इनको बंद करने के लिए कहा गया है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज क्या है? आँखों की वजह से हम लड़की के पीछे जाकर बदनाम हो सकते हैं, इसीलिए हमें अपने हाथों से काम लेना चाहिए। अरे 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 सही है, सब पीने के बाद बंदर बन जाते हैं, तू हम लोगों को भी वही बंदर समझ रहा है ना? शाबाश। सर इस दुनिया में शादी करने वाली कितनी लड़कियां हैं, लेकिन सच्चा प्यार करने वाली एक भी नहीं है। सर मैंने भी सच्चा प्यार किया था। तूने भी किया? हाँ। तो अभी तक तू क्या बता रहा था? बिल्डअप दे रहा था सर। वो क्या है कि स्कूल में ना I love you. मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। तू लंगड़ा है तू, मैं तुझे पसंद नहीं करती, समझा? मैं तो सिर्फ पैर से लंगड़ा हूँ बस, पर तेरी असली शक्ल कैसी है अभी बताता हूँ तुझे। छी। वो लास्ट दिन था सर, फिर किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया। हम लड़के लोग मोबाइल की तरह होते हैं, और लड़कियाँ पानी की तरह होती हैं। पानी मोबाइल में गिरने दो या मोबाइल पानी में गिरने दो, खराब तो सिर्फ मोबाइल ही होता है। यार ये लड़कियाँ लड़कियाँ लड़कियाँ। कौन है? अरे तू बेवड़ा होगा हमारी तरह, चलो। यार तू इतनी जल्दी क्यों उठ गया? सुबह सुबह उठा दिया यार। अबे दूसरी की बीवी को देखना गलत बात है, और ऊपर से वो पुलिस वाले की बीवी है, उसका पति इतनी बड़ी लाठी मारेगा? अबे वो लाठी तो वो दूसरे पे इस्तेमाल कर रहा है। ये सब देखने के बाद हाथ रुक नहीं रहा यार। क्यों यारो, फोटो क्लिक कर लिया ना,
हाँ क्लिक करके दिल की गैलरी में सेव भी कर लिया है भाई। कुछ भी कहो यार, ऐसी गलती बार बार करती रहे तो सुबह सुबह उठने के लिए अलार्म की कोई जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम। वहाँ बैठ कर क्या कर रहे हो तुम लोग? यहाँ हम तीन पहले से ही वेटिंग में, तू भी आगे ट्राई मार रहे, चल निकल यहाँ से। ट्राई की तो शिल्पा मैं चलता हूँ। ठीक है। क्यों तुम लोग आज काम पर नहीं गए? भाई साहब आज रविवार है ना। क्यों आज के दिन कैटरिंग का काम बंद रहता है? वो नाइट में भाई साहब। वो लोग क्यों बैठे हैं पता है आपको? दीदी आज हम मैटनी शो के लिए चलें क्या? ये तो कल ही फिक्स हो गया ना, फिर आज इतना जोर से क्यों बोल रही हैं? मेरे लिए होगा। मुझे लगा तुम भूल गई होगी इसलिए बस याद दिला रही थी तुम्हें। हाँ। भाई कैसी है? सुना तो है काफी अच्छी फिल्म है। इतनी लंबी लाइन लगी है, लगता नहीं है कि टिकट मिलेगी। मैं टिकट लेकर आऊंगा। तू लाएगा? वेट एंड सी, हैंडीकैप पावर क्या होता है मैं दिखाता हूँ। कैश एक खाकी जाके तीन टिकट लेकर आ। क्या है? टिकट टिकट टिकट, जाओ तीन टिकट लेकर आओ, मैं हैंडीकैप। क्या कहा? तीन टिकट चाहिए? हाँ तीन टिकट लेकर आओ। हैंडीकैप तो तुझे घर में रहना चाहिए ना। ला टिकट दे। ये तो मेरी दूसरी टांग भी तोड़ने वाला था। अच्छा ले, तू भी ट्राई मार ले। हाय, देखते रहना, जैसे तुझे पड़ी है ना वैसे उसे भी पड़ेगी। आप हमारे लिए भी टिकट ले लेंगी? मैं थिएटर के ऑनर को जानता हूँ, एक फोन करूंगा तो खुद मुझे टिकट देने के लिए आ जाएगा। इसकी बात करने का स्टाइल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि टिकट के साथ साथ ये तो लड़की भी पटा लेगा यार। ऐसा क्या? बात क्या है, मुझे लाइन में खड़े होकर टिकट लेने में शर्म आती है। आप मानेंगे नहीं, मैं तो कई बार बस में भी टिकट नहीं लेता, सच कह रहा हूँ। मारना मत सर, ये मेरी वाइफ है। मेरे पास है, 4:30 बजे हैं। इसके पास वॉच भी है। सर वाह क्या सुपर शॉट है। अभी स्टार्ट हुई है। सर फाइट सीन वगैरह कुछ आया क्या? नहीं आया। सर सर नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा बताने के लिए मैं क्या फिल्म का डायरेक्टर हूँ? चुपचाप फिल्म देख।
नेक्स्ट यहाँ क्या होगा इसका मुझे टेंशन हो रहा है। चल दी एंड हो गया। दी एंड? मैंने तो कुछ देखा भी नहीं। तू तो इन दोनों को देख रहा था ना। सुनिए मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है? कॉल उठा ना। देख भी नहीं रही है लेकिन ये कितना उड़ रहा है यार। ऑलमोस्ट सेट हो गई है। तुम लोग अभी से भाभी बोलने की प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ बाजू में बैठा तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस। हम तो कितनी लड़कियों को गोद में बिठा कर फिल्म दिखाते हैं। क्या बात कर रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा है क्या? कैसे भी लड़की को पटाने के लिए मेरे पास एक सॉन्ग है, उसे बस दो लाइन गा कर सुना दिया ना तो लड़कियां मेरा फोटो पकड़ कर अपने गले में मंगलसूत्र डाल लेती हैं। अरे अरे वो लाइन क्या है बता ना। जब शराबिया को बताऊंगा ना तब सुन लेना। अबे तू भी कहाँ इसकी बातों को सीरियसली ले रहा है बे। हाँ। अगर सारी लड़कियाँ गाना सुनकर ही पड़ जाती तो सारे सिंगर्स की दर्जनों शादियाँ हो चुकी होती। अबे वो लाइन क्या है यार? हाँ, पता ये दूसरा होल्ड कर। अच्छा ये फिल्म कैसी लगी? सुपर सुपर सर, टपोरी लोगों को फिल्म बहुत पसंद आ रही है, ये पक्का सुपर हिट होने वाली है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बर्थडे पार्टी ऑफ माय लिटिल एंजल तन्वी। एंजॉय द पार्टी प्लीज। कर रहा है बे? नाइट पार्टी के लिए चखना रेडी कर रहा हूं भाई। बेवकूफ, एक भी पीस मत छोड़ना तू। एक्चुअली आज मेरी फ्लाइट पंचर हो गई है तो अपने दोस्तों का साथ देने चला आया। झूठ झूठ झूठ। कुछ भी कहो यार, जिंदगी तो पैसे वालों की होती है, हमें तो अपना बर्थडे भी याद नहीं रहता। तूने पिछले जन्म में कम से कम 100 बर्थडे सेलिब्रेट किए होंगे इसलिए इस जन्म में एक भी नहीं कर पाया। ये कौन करके गया होगा? कौन होगा? कोई काम चोरी होगा। ओ भाई कहाँ पर हो यार? ओ भाई कहाँ चली गई? ओहो जरा इसको देख, पार्टी में फ्री की दारू मिल गई तो पीकर पूरा टल्ली हो गया। ये कैसे लोग हैं यार, पता नहीं क्यों इतनी पी लेते हैं। क्या तुम्हारे हिस्से के लिए आज मैं पी लूं? उसकी जरूरत नहीं है। ए जरा उसे देख। ओए बंद क्यों कर रहा है, कचड़ा फेंका नहीं अब तक साला। अरे यार इसने तो पूरा बंद कर दिया, अब हम लोग कचरा कहाँ फेंकेंगे यार? वो खाली जगह दिख रही है ना, चल वहाँ फेंकते हैं। हाँ, अब चल। इस आदमी को मैंने कहीं तो देखा है। ए जल्दी आ। हाँ छोड़ो मुझे क्या करना। अबे रात को मैंने जो काजू चुराए थे उसका पता चल गया क्या? इतना अर्जेंट बुला लिया क्या बात है? उनसे पूछो। साहब क्या? ए, ये तुम्हारा घर नहीं है, पुलिस स्टेशन है, साहब बताएंगे। अंकल आंटी कैसी है? सर सर नमस्ते। नमस्ते सर। उस बर्थडे पार्टी का केटरिंग का काम तुम लोगों ने किया ना? हाँ। वहाँ से एक बच्ची लापता हुई है, इसीलिए पूछताछ के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया। सर हम लोग, हमारा उससे क्या संबंध है? उस दिन उस घर में किसी अनजान आदमी को घुसते हुए देखा है तुम लोगों ने? सर नहीं सर, हमने नहीं देखा। हम अपने काम को छोड़कर दूसरे के काम में कभी कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्यों भाई है ना? हाँ सर, सर मैं इनको जानता हूँ, बहुत अच्छे लड़के हैं। ठीक है जाओ। नमस्ते। ठीक है सर, मैं जब भी बुलाऊं इंक्वायरी के लिए आना होगा। ठीक है सर, ठीक है हम आ जाएंगे। चल यार। हे भगवान निकल गया, यहाँ जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। अबे
अंदर क्या बकवास कर रहा था तू? यार वो पार्टी वाले दिन एक आदमी मिट्टी दबा रहा था ना वो। अबे पागल हो गया तू? अगर तू पुलिस को बता देगा तो ना हम लोगों की पूरी जिंदगी पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाने में बीत जाएगी। हम लोग किसी दूसरे के लफड़े में क्यों फंसे यार, चला जा। आया बड़ा, अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझता है। मुझे क्या करना? डलवाओ कहकर मेरी जान खाती रहती थी, अभी अनलिमिटेड प्लान डलवाता हूँ। उठो दादी। कल रात को इतना खाना खाया था, ज्यादा खाकर ही मरी होगी दीदी। इस दादी के फेसबुक पर मुझसे ज्यादा फॉलोअर्स थे। इतनी जल्दी क्यों मुझे छोड़कर चली गई? 24 घंटे इंटरनेट पर ऑनलाइन रहने वाली और चैट करने वाली, इस तरह ऑफलाइन तुम्हें देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है दादी। क्या है? तू कहाँ चली गई दादी? मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा दादी? फेसबुक पे एंजल दिव्या के नाम से आईडी बनाकर न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करके आराम से सो रही है। एक क्वार्टर बस मेरे अंदर जाना चाहिए, एम्बुलेंस में पेट्रोल हो ना हो मैं उसे भगा सकता हूँ। मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, कहाँ है दारू? ए, लड़की की बात आई तो अपनी फ्रेंडशिप को भूल गया यार। देख यार, जिंदगी में सुंदर लड़की और दारू के पीछे जो भी भागता है ना उसका बेड़ा गर्क होता है, ऐसे मेरे दादा हमेशा कहा करते थे। तुम लोग तो ऐसे लड़ रहे हो जैसे खिलौने के लिए बच्चे लड़ते रहते हैं। आज बारी किसकी है ये बताओ? आज फंक्शन कौन कर रहा है? कालिया का। जा करके उससे बोलो कि 2 फुल बॉटल भिजवा दे। जाओ दादी, दादी। सुनना, तूने जो पिलाई थी वो सिर्फ गले तक ही आ रही है, आवाज बाहर निकलने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ेगी। तेरे लिए क्या लाऊं? मुझे क्वार्टर चाहिए। क्वार्टर, क्वार्टर चाहिए। क्या क्वार्टर? अभी लाता हूँ। वाटर, वाटर चाहिए। शरीर का सारा पानी मेरी आंखों से निकल गया है। सुन यार, पता नहीं ऐसे टाइम पर पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन एक बात पूछूं तुमसे? अपने बीच में क्या राज है, पूछना। पूछ यार। तूने कहा था लड़की को पटाने की लाइन है तेरे पास, वो बता सकता है? बताना यार, जल्दी बताना। आज तो इसकी गाड़ी भी जल्दी स्टार्ट हो गई। टेंशन नहीं। नमस्ते। नमस्ते। नहीं अभी बस लेकर जाओ। नहीं, दादी को सेल्फी का बहुत शौक था इसलिए इनकी एक लास्ट सेल्फी ले ली है। सेल्फी स्माइल। ये जानी दारू कहाँ रखी है? धूम्रपान और मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक होता है। अच्छी डाली, तू भी बताओ ना दारू कहाँ रखी है? उसने अभी बोला ना हानिकारक होता है। ए जनार्दन, तू बता ना दारू कहाँ रखी है? यही कहीं होगा। देखो किधर है, किधर है? अरे बता ना किधर है? कहाँ ना वही होगा। अरे कहाँ है यार? ऐसे बोलो ना खत्म हो गई है। इधर उधर कह के मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तुम लोगों ने दारू के चक्कर में मुझे कुत्ता बना दिया है। तुम लोग मेरी तकलीफ समझते क्यों नहीं हो यार? कमीने लोग,
अगली बार दारू पीने मेरे पास आना, तब देखना मैं क्या करता हूँ, छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। बुढ़िया और उसके पति में कभी नहीं बनी, इसलिए उसने मरने से पहले अपनी वसीयत में लिखा था कि इसकी कब्र मेरी कब्र से कम 20 किलोमीटर दूर होनी चाहिए, तभी मुझे शांति मिलेगी। ओ भाई साहब, हाँ लाओ ये लीजिए, ये हमेशा दूध ही पीते हैं। इस पूरी दुनिया में अपने बच्चों से ज्यादा अपने पति को दूध पिलाने वाली ये पहली औरत ही होगी। मेरी जानो मुझे दूध पिलाती है, तभी ऐसी बॉडी है। आ देख रही है माँ जी, चले क्या? माँ जी बैंकॉक जाने के लिए जनार्दन किसी एजेंट के पास जाने वाला था ना, नहीं गया क्या? चालू, अगर तुमने उस जनार्दन के सामने बैंकॉक का नाम एक बार भी लिया तो वो कोमा में होगा, तो भी उठ के आ जाएगा। अच्छा ये बताओ बैंकॉक में ऐसा क्या है जो लोग वहाँ जाने के लिए मरते हैं? वहाँ बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा है। बुद्ध ने तो अपने जीवन में त्याग ही किया, लगता है ये लोग भी कुछ त्याग करने जा रहे हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। माँ जी आगे देख के चलो, नहीं तो गिर जाओ। जब देखो तब ये लोग ऐसे ही गटर खोल के काम करते रहते हैं, 24 घंटे नजर आ जाएंगे ये लोग। इसमें इन लोगों की क्या गलती, बेचारे। यार ये शराब पीना बीवी की तरह होती है, रात को पियो तो सुबह सिर में दर्द होता है। उफ, आज से कसम खाता हूँ लाइफ में कभी नहीं पीऊंगा। ये ले। चाय और पैग में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे पीता है। बस करो, सबसे ज्यादा यही गंदा लगता है। ए शालू क्या बात है, आज स्कूल नहीं गई? मुझे बहुत तेज बुखार है। 100 साल के बाद भी देखना बच्चों को स्कूल के नाम पे बुखार आता रहेगा। नहीं नहीं सच में बुखार है। इतना सा तो गर्म है, ये भी कोई गर्म होता है? ये लो जाकर इसे हॉस्पिटल में दिखा देना। ए जनार्दन, बैंकॉक के लिए रखा हुआ पैसा सारा हॉस्पिटल के खर्च में जा रहा है ना? समाज सेवा के नाम पे और 4 शादियां करवा दो, उसके बाद कुछ भी कहो यार, अच्छे से अच्छे हीरो भी मेरे सामने नहीं टिकेंगे। जाके किसी डॉक्टर के पास अपनी नजर चेक करवा। मुझे नजर चेक करवाने की जरूरत नहीं है, नजर उतरवाने की जरूरत है, समझा? अच्छा, नजर 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 उतारती हो तेरी नजर। मालूम पड़ गया है, छोड़ो। हाय गाइस। ए हाय सर। हेलो। हाय, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कहिए ना। चलो कहीं कॉफी पीते पीते बात करेंगे। अरे क्या सर, कॉफी क्या, पिछली बार जब हमने पार्टी दी थी तो आपने कहा अगली पार्टी का बिल आप देंगे, उस पार्टी का क्या हुआ सर? अरे टेंशन मत लो, अभी कॉफी से काम चलाते हैं। अरे जैसा आप कहें। एक मिनट आता हूँ प्लीज। हाँ। सर सर नमस्ते सर, मैं याद हूँ आपको, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो हॉस्पिटल ले जाने वाला मैं ही था सर। तुम्हारा मतलब क्या है, अभी पैसे चाहिए? सर नहीं सर, आई एम सॉरी सर, आप जाइए सर। क्या हुआ? आजकल इंसान भी ना बुरी चीजों को दिल में रखता है और कोई अच्छी चीज हो तो बहुत जल्दी भूल जाता है उसे। खैर। हेलो कहाँ? चल यार। क्या बात है बोल तो। चल बताता हूँ। सर अभी आए। क्या हुआ आंटी? हमारे पूछने पर तो कुछ भी नहीं बता रहा, तुम ही जाकर पूछ लो। चल देखते हैं। क्या हुआ बे? क्या हुआ? अबे बताना क्या हुआ? कुछ नहीं बे। बताता है कि नहीं? बोल, टिकट बुक करवाने गया था ना? गया था मगर बुक नहीं हो पाई। मैं सॉरी। क्या सॉरी क्या बोल रहा है तू?
तू अभी मेरे बारे में जानता नहीं है। जब मेरी गाड़ी को ट्रेन ने ठोका तो मैंने उसको नहीं छोड़ा, तुझको कैसे छोड़ दूं? सॉरी भाई, जाने दीजिए ना। ए, क्या सॉरी सॉरी बोल रहा है मुझे? पहले ठीक से गाड़ी चलाना सीख ले, वो तेरी किस्मत अच्छी है। तलवार लाना भूल गया समझा? डैमेज का पैसा तेरा बाप भरेगा क्या? चल पैसे निकाल, चल दे पैसे। क्यों रे, लड़की देखे तो हवा में उड़ेगा। सॉरी भाई, वो मेरी बड़ी बहन जैसी है, आप मेरे बड़े भाई, माफ कर दो। कौन है वो? अब जाने भी दे यार। कौन से एरिया का है? अशोकपुरम का रहने वाला है। ए, चल निकाल गाड़ी। अशोकपुरम जा रहे हो तुम लोग, थोड़े होशियार रहना। बेटा वहां मत जाओ, वो एरिया गुंडे लोगों का है। आप अपने बेटे को मारने वाले को छोड़ सकती हैं, लेकिन उसने हमारे दोस्त को मारा है, उसे नहीं छोड़ूंगा। फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं होता कि मिलो तो हाय करो और जाते समय बाय बोल दो। दोस्ती का मतलब होता है कि दोस्त का बाल भी बांका हो तो उस पर अपनी जान लुटा दो। किसी को मारने पर उसका भाई आता है, किसी को मारने पर पॉलिटिशियन आते हैं, किसी को मारने पर पुलिस वाले आते हैं, लेकिन ये भी अकेला नहीं है। इस बात का मारने वालों को पता होना चाहिए। आंटी, सुवर्णा न्यूज, पब्लिक टीवी, इंडिया के सभी चैनल्स में लाइव देखती रहना। चल भाई, अगर एक सेकंड लेट हो गए तो वो एक सेकंड ज्यादा जिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। चल बैठ गाड़ी पे, चल चला गाड़ी। जरा उतरना। क्या उतार? क्या हुआ यार? हे, हुआ क्या? हे, ये लो बेटा, लीजिए। लो बेटा। भाई, रिवेंज को कल पे पोस्टपोन करते हैं। हा? सुन दोस्त, प्रोग्राम पोस्टपोन होने का टेंशन मत ले, कल उसका पोस्टमार्टम जरूर होगा। ये क्या तरीका है सोने का? इतने बड़े हो गए फिर भी कैसे सोए हैं? ए जॉनी, जॉनी, ए जॉनी, उठ तो, हॉर्लिक्स हॉर्लिक्स। ये तो उसके लिए तेरी किस्मत में यही है बेटा। अबे, आज पहली बार माँ ने मुझको दूध दिया है, दे देना यार। आंटी, मुझे एक चाय। ये लेटर मेरे लिए आया है। लेटर तेरे घर पर आया था क्या? नहीं। या तेरे घर पर आया था? नहीं, लेटर मेरे घर पर आया था। जरा एड्रेस देख क्या लिखा है बेवकूफ, यहाँ क्या दिख रहा है, एड्रेस देख। ए, दिखा क्या लिखा हुआ है? जॉनी, जॉनी।
So drop the bass, shut up and stumble and see me crazy. हमारी वसंत नगरी के एनुअल फंक्शन का टाइम नजदीक आ रहा है। इस साल की कल्चरल एक्टिविटीज क्या होंगी, आज की मीटिंग इसी के लिए है। डांस की बात करो तो श्रव्या से अच्छा कौन है यहाँ पर, बचपन से ही डांस करती आ रही है ये डिपार्टमेंट इसे ही दे दो ना। मैंने एक सुपर इमोशनल कहानी लिखी है, राजकुमार हिरानी ने मांगी थी लेकिन मैंने नहीं दी, उसे मैं खुद परफॉर्म करूंगा। उसका टाइटल है आँख से छलका आंसू। आंसू आँख से नहीं छलकेगा तो कहीं और से छलकेगा। हम सभी औरतों को श्रव्या जो डांस सिखाएगी हम वही परफॉर्म करेंगे। आहा, ये चलती है तो धरती हिलती है और अगर डांस करेंगी तो पूरे भूमंडल में भूकंप आ जाएगा। मैं तो अक्षय कुमार की फैन हूँ तो मैं अक्षय कुमार के रोमांटिक सॉन्ग पे डांस करूंगी। आहा, मेरा बेटा जनार्दन विष्णु दादा का फैन है, मैं तो उनके ही सॉन्ग पे परफॉर्म करूंगी। क्यों जी? श्रव्या सिखाएगी तो मैं ऑलवेज रेडी। ऐसा है तो मेरा बेटा भी सलमान खान का फैन है, हम सब भी उसी के गाने पर डांस करेंगे। हम तो रेडी है। आप लोगों को जो भी पसंद है वो आप करें, बस इस बार फंक्शन ग्रैंड लेवल पे होना चाहिए। मास्टर जी, जल्दी से वो गटर के ऊपर ढक्कन डलवा दीजिए, कोई बच्चा उसमें गिर सकता है। मैंने कंप्लेंट कर दी है, परेशान मत होइए, फंक्शन से पहले ही उसे ठीक करा दिया जाएगा। ठीक है मास्टर। कोई कुछ और कहना चाहता है? मास्टर जी मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो बेटा, तुम लोगों को कोई डांस आइटम रखना है क्या? हेलो, हम सब बैंकॉक में करेंगे। एक मिनट सुनिए, हमारा सीनू कुछ कहना चाहता है। तो कहे ना, सीनू कोई हम लोगों से अलग थोड़ी ही है, जो भी कहना है दिल खोल के कहे। जाइए सर, बोलिए। हाँ जाओ जाओ। नमस्कार। नमस्ते। सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस एरिया का नहीं हूं, फिर भी आप सबने मुझे अनजान को अपना समझा, इसलिए एक बात आप लोगों से कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। मेरा नाम सीनू है। साइरन। मुझे सभी लोग एम्बुलेंस ड्राइवर ही बोलते हैं। मैं दूसरों की जिंदगी बचाते बचाते अपनी जिंदगी के बारे में भूल ही गया कि आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। आप जीवन में पैसा कितना भी कमा लें, लेकिन अगर आपके लिए कोई रोने वाला ना हो तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप लोग जाति और धर्म को ना मानते हो तो मैं तस्लीम से शादी करना चाहता हूँ। शालू मेरी बेटी जैसी है, आप सब उसे कितना चाहते हैं ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और मैं भी उसे उतना ही प्यार दूंगा। देखिए, आप लोग ये मत समझिएगा कि ये सब मैं उस पर दया दिखाने के लिए कर रहा हूं, बल्कि सच तो यह है कि मैं तस्लीम से प्यार करता हूं। ये मेरी बेटी जैसी नहीं, बेटी ही है, लेकिन इसके लिए मेरे कुछ फैसले गलत हो गए जो माफी लायक नहीं है। अब इसके बारे में कोई भी फैसला लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। हमारी तस्लीम को पति की जरूरत है या नहीं ये तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हमारी शालू को वाकई एक पिता की जरूरत है, तो मुझे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। अरे भाई, तो फिर देर किस बात की, तो फिर इसे पास कर दो। आप भी बजाइए। तस्लीम से हर बात हम पूछ कर करते हैं, अभी भी शादी के बारे में उसका फैसला पूछ लेना चाहिए। सही बोला यार, साइरन सीनू का ना सबके सामने इंसल्ट हो गया यार। भाई फोन कर उनको, पिला कर उनका समाधान करेंगे। करेक्ट बोला। फोन कर, करना। अरे लगता है एक्सीडेंट हुआ है। ए, अगर ये मर गया ना तो अपने सिर पे आ जाएगा। चल निकलते हैं यहाँ से। रोड पर अगर कोई भी एक्सीडेंट आप देखते हैं तो उसे उठाकर हॉस्पिटल जरूर पहुँचाइए, वही मेरे लिए थैंक्स जैसा होगा। किसी भी इंसान की जब रोड पर एक्सीडेंट की वजह से मौत होती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है।
मुझे कौन लेकर आया यहाँ पे? थैंक यू सर। बच्चा अपनी माँ को जन्म देने के लिए थैंक्स बोलता है क्या? उस दिन आपने मुझे नया जीवन दिया था, आज मैंने अपना फर्ज पूरा किया, तो इसमें थैंक्स कहाँ से आ गया? अगर एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। आप भी खेलो। ये लाइन तेरी दादी ने खींची है, इसके पार नहीं जाऊंगा, तुम ही खेलो। चलो खेलो खेलो, चलो खेलो, धीरे धीरे पार करो इसे। अरे चलो, आप कहाँ पर थे? ए, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? शालू दादी कहाँ है? वहाँ पर। आंटी आपको मेरे साथ चलना होगा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? देख यार, जो सीन मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ ना, वो सीन देखकर तुम सबके होश उड़ जाएंगे। आओ अंकल आओ। अरे क्या हुआ? अरे जल्दी आओ मेरे साथ। हाय डाली दो। अरे वाह, चुपचाप चल। हाय, कैसे हैं आप लोग? इसको क्यों अरेस्ट किया? साला सबकला कहीं का। पता नहीं। आओ आओ, देखो देखो, पाय लागू। नेतागिरी बहुत हो गई। नमस्ते, नमस्ते। अरे लेकिन ये तो बता, इसने किया क्या है? अरे यार क्या हुआ? यार हम सोचते थे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस करता, लेकिन नहीं, ये गांजे की खेती कर रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अबे गाड़ी पे बैठ, चल जा जा, पुलिस स्टेशन तेरे लिए सही जगह है, जा। ए, कुछ अरेंजमेंट कर, ये केस यही खत्म कर देता हूँ। अरे सिर्फ रिश्वत लेना ही नहीं, देना भी पाप है। आपने गब्बर इस बैग नहीं देखी क्या? बाद में मिलता हूँ, बाय। इसको देखकर ये जन्म तो सार्थक हो गया है, अब अगर आंखें डोनेट भी कर दे तो परवाह नहीं। देखो देखो, हमेशा दूसरों के बच्चों को देखकर अपने बच्चों को परेशान करती रहती हो कि उसके जैसा बनो, उसके जैसा बनो। आज के बाद कोई भी अपने बच्चे को किसी के जैसा बनने के लिए मत कहना, समझी? हर बच्चा अपने आप में अच्छा ही पैदा होता है। बसंत नगर कॉलोनी के एसोसिएशन को कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। अच्छा 25 साल। बसंत नगर के 25वें वार्षिक उत्सव पर मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन। अरे भाई मैं पाव लेता हूँ और इसका पैसा बाद में दूंगा, ठीक है? ये क्या? अरे ओरिजिनल है कि नहीं टेस्ट करके देख रहा था। ओरिजिनल है, डाल दे। भाई ये तो पाव लाया हूं। डाल डाल। हाँ डाल दे, डाल दे। दो, मेरी माँ दूध के साथ पाव खिलाती है, तुम दारू के साथ पाव खिला रहे हो। तेरी माँ ने दूध पाव कब खिलाया है? सॉरी यार, ऐसे ही बोला। आंटी आपको पाव खाना है? लगता है आंटी को पाव पसंद नहीं है। आंटी को पाव नहीं, तू पसंद नहीं है। अगर मैंने पूछा होता ना तो वो मुझसे कहती राजा तू ही आके खिलाना। पुलिस अंकल पाव खाएंगे क्या? पाव तू खा, बिरयानी खाने जा रहा हूँ। वसूली मस्त हुई लगता है, जाओ जाओ। अब हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस है। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा सर। अरे चुप कर, तुझे मैं सबसे लास्ट में। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी जाऊंगा। सुना नहीं तूने? तू चुप कर रहा है? अगर लास्ट में करूंगा तो सब लोग चले जाएंगे, मेरी एक्टिंग देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंकल अब आप सबके सामने आ रहे हैं हमारे कालिया अपनी मोनो एक्टिंग के साथ। अरे जाना, अरे मारता क्यों? हाँ बिना क्या इस बेवड़े को चांस दे दिया? अब सराय कपड़े उतार रही, ये तो कमाल हो गया। तूने तो कहा था तेरी एक्टिंग देखकर हम फ्लैट हो जाएंगे, तू तो खुद ही स्टेज पर फ्लैट हो गया। चल टाइम वेस्ट मत कर। अरे अरे आप अभी तक समझे नहीं, ये मेरी रियल रियल एक्टिंग है। मैं एक बार करके दिखाता हूं। अरे एक मिनट रुको ना, क्लाइमैक्स तो बाकी है। अरे क्लाइमैक्स में ट्विस्ट देने वाला हूँ। चल चल भाग, भाग यहां से, मैं खुद चला जाऊंगा। चल भागना। अरे बाहर निकल यहां से। ए हमारी शालू श्रेया घोषाल की तरह बहुत बड़ी सिंगर बनेगी। सही बोला। उसने गाना तो अच्छा गाया, लेकिन दूसरी लाइन में उसका थोड़ा सा सुर हिल गया था। वहाँ थोड़ा सा वो ऊपर आती ना तो अच्छा रहता। अबे खुद को तानसेन समझता है? तेरा गाना सुनकर लड़की वालों ने कुत्ते की तरह भगाया था, भूल गया? बकवास बंद कर। ये तो ऐसा है जैसे किसी कैबरे डांसर के सामने शास्त्रीय संगीत के बारे में बात कर रहे हो। क्या
मुझसे संगीत की बात करता है, तू जिन दो लाइन की बात कर रहा था वो मुझे दे दे, अभी स्टेज पर जाकर गाता हूं। दे दे। कौन सी दो लाइन? लड़की को पटाने वाली दो लाइनें हैं ना तेरे पास? हाँ राजा, अगर तू मुझे पुनर्जन्म प्रोग्राम में ले जाकर स्वामी जी से ताबीज भी बंधवाएगा ना तो भी मैं नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि वो जो भी है ओनली फॉर लेडीज, इसलिए उन्हें ही बताऊंगा।
अरे गुड मॉर्निंग, ट्रैवल एजेंसी से फोन कर रही हूँ। आप लोगों का बैंकॉक का टिकट कंफर्म हो गया है, तीनों का डिटेल्स चाहिए सर। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी सर? थोड़ा पी ले यार। जो होना था वो तो हो गया, खुद को संभालो तुम लोग। पूरे गांव में घूम घूम कर सुनाने के लिए तुझे तो एक अच्छी कहानी मिल गई ना। तुम सबको एक बार पुलिस स्टेशन चलना होगा। एसीपी ने तुम सबको बुलाया है। कौन है वो? एसीपी दुर्गा। इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। हाँ ओके सर। नहीं नहीं, दो दिनों में केस फाइल क्लोज कर दूंगी सर। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। मैडम, उस बच्ची की तरफ से। ओके, मैटर किसके घर का है? मेरे घर का है मैडम। बात क्या है मैडम? अभी अभी बहुत सारे मिसिंग केसेस फाइल हुए हैं, सभी लगभग 10 साल की ही बच्चियां हैं। उनमें से 3 बच्चियों की बॉडी मिली है, लेकिन उन तीनों बच्चियों का कॉमन फैक्टर ये है कि उन सबके साथ बलात्कार हुआ है। मैडम ये क्या कह रही हैं आप? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से आपकी शालू के साथ भी। सॉरी, जिस जगह से बॉडी बरामद हुई इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें इन कुछ लोगों पर शक है। मैडम मैडम, ये दिवाकर बैनर्जी बंगाल में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके जेल की सजा काटकर अभी बाहर आया है। जहां से बॉडी बरामद हुई उस इलाके में इसे देखा गया था। आप लोगों ने इसे कहीं देखा है क्या? हाँ मैडम, मैंने देखा है। कहाँ? मैडम मैडम, एक्चुअली मुझे भी इस पर शक हुआ था। ओ, शक हुआ था? तो फिर तुमने कुछ किया क्यों नहीं? क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं है, है ना? हमें क्या करना है ये कहकर छोड़ देते हैं। अगर बगल वाले घर में आग लगी हो तो हमें जरा से भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो हमारे घर का मामला नहीं होता। अब खुद के घर में आग लगी है तो तुम्हें तकलीफ हो रही है? अगर उस दिन तुमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता तो आज तुम्हारे घर की लड़की जिंदा होती। ऐसा कुछ होगा हमें मालूम नहीं था मैडम। निकल जाओ यहाँ से। तुम जैसे यंगस्टर्स को खाना पीना, सिगरेट फूंकना, लड़कियों को छेड़ना, बस यही आता है और कुछ नहीं। सोशल साइट्स में डूबे हुए तुम जैसे यूथ को सोशल रिस्पांसिबिलिटी का एहसास भी नहीं है। तू है तुम जैसे यूथ पर। तुम लोग जरूर नशे में रहे होगे, इसलिए वो उसे आसानी से उठा ले गया। अब रोकर क्या फायदा? जाओ घर जाओ, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। मगर एक बात ध्यान से सुनो, ये जो कुछ भी हुआ है उसकी एक वजह तुम लोग भी हो। जब तक हम ऐसा सोचेंगे कि हमें समाज से कोई मतलब नहीं और समाज में होने वाली ऐसी घटनाओं से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तक ऐसा होता ही रहेगा। ये आदमी कहीं भी हो हमसे बचेगा नहीं। जाओ, गेट आउट। आई से गेट आउट। मैडम, अब वो आपको नहीं मिलेगा। जो हाल हमारी शालू का हुआ है, गांव की किसी और लड़की का हम नहीं होने देंगे। We'll be right back.
छोड़िए मैडम, इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। इसने हमारी शालू को जान से मार दिया, नहीं छोड़ूंगा। हाँ, इसे मारना ही होगा, सही कहा। लेकिन तुम्हारी शालू को इसने नहीं मारा। यही है वो, इसी कमीने ने हमारी शालू का रेप करके गटर में फेंक दिया था। जुबान संभाल कर बात करो। तू दादा दादा कहने वाले उस मासूम के साथ तूने इतना घिनौना काम किया? इनकी बातें मत मानो, ये सब लोग पागल हो गए हैं। हाँ बे, तू बोलेगा और ये सब मान लेंगे। और ये बच्चा हा? ये बच्चा तेरे हैवानियत भरे काम देखकर पागल हो गया, ये नहीं बताएगा इन गांव वालों को? तेरे जैसे लोगों को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। मार डालो इसको, खत्म कर दो, खत्म कर दो इस चट्टान को, खत्म कर दो, मार डालो इस पापी को, मार डालो। मेरी बच्ची की जान ही है। ये भी इसके जैसा ही कमीना है। आज इन दोनों को मरता हुआ देखकर आगे से कोई ऐसी गलती नहीं करेगा, सोचेगा तक नहीं। मार डालो इन दोनों को। मैडम, आपने उन्हें पब्लिक के हवाले क्यों कर दिया? पब्लिक तो उनकी जान ले लेगी मैडम। अविनाश, ऐसे लोगों को कानून के हाथ में दिया तो कुछ सालों की सजा काट कर छूट जाएंगे। खाना पीना देकर हमें इन्हें पालना होगा। ये छोड़ो,
श्रद्धा का केस पता है ना, सारे अपराधी आजाद होकर घूम रहे हैं और सरकार उन्हें कॉम्पेंसेशन दे रही है। अविनाश, माफ करने वाली गलती होती तो कानून को सौंप देते, लेकिन इनकी गलती माफ करने लायक नहीं है, इनकी सजा मौत ही है। लेट्स गो। एक माँ का गुस्सा क्या होता है, आज सबको पता चल जाना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, उन लोगों ने बिल्कुल सही किया। ऐसी बातों को हम हर दिन टीवी पर देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं और अगले दिन भूल भी जाते हैं। इसका दर्द तो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसके ऊपर ये बीतती है। वो तो सब ठीक है गुरु, ये बताओ कि तुम गिरे कैसे? बैंकॉक जाने के लिए जनार्दन किसी एजेंट के पास जाने वाला था ना, नहीं गया क्या? अच्छा, ये बताओ बैंकॉक में ऐसा क्या है जो लोग वहाँ जाने के लिए मरते हैं? देखो यारो, लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, बस तुम लोग पैसा तैयार करो। रियल में स्वर्ग क्या होता है ना, वो मैं तुम्हें बैंकॉक में दिखाऊंगा। वो सब तो ठीक है भाई, तुमने बताया नहीं तुम गिरे कैसे। Ha 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 ha!